रोटरी का भी हम लोग 6 महीने का वारंटी कवर करते हैं, टूटने का और मुड़ने का, और फुल 1 साल की गारंटी लिखित में देंगे इंजन की और गेयरबॉक्स की। अच्छा, ओनली ऑन 3,500 3,500 रुपए ओनली 3,500 रुपए मात्र 3,500 रुपए क्योंकि फ्यूल की खपत जो रहेगी ओनली 500 से 600 मिल रहेगा। हमारा जो पावर वीडर आता है वो स्वदेशी पावर वीडर के नाम से आता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान सच में। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं भोपाल के अंदर में कृषि किसान एग्रोटेक कंपनी में। किसान भाइयों, यहां का नजारा जो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हरा भरा नजारा है। हम आपको ऐसे नजारे पर लेकर आए हैं, यहां पीछे जो है गेहूं की बिजाई हुई है और जस्ट मेरे पीछे आप जो है मिनी टिलर पावर वीडर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आज आपको पावर वीडर सस्ते से सस्ता और अच्छा मिलने वाला है। हमारे साथ में कंपनी के ओनर हैं, सुनील भाई हैं, जुड़ रहे हैं। इनसे हम एक छोटा सा परिचय पहले इनका जानेंगे। नमस्कार सुनील भाई। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मैं सुनील मालवीय कृषि किसान एग्रोटेक भोपाल की ओर से। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप पहले मैं ये बताओ। तो ठीक हूँ राहुल जी, आप बताइए कैसे हैं। किसानों का प्यार कैसा मिल रहा है? सर मैं मेरे किसान भाइयों को प्यार पाके बहुत खुश हूँ। हाँ। मैंने मेरी कंपनी लास्ट ईयर पिछले साल शुरू की हुई थी जब आप आए हुए थे और आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। आज मैं इस ऊंचाई पे पहुंचा हूँ जी। बिल्कुल, पहले तो आपके पास में केवल उस टाइम पे रीपर थे। बिल्कुल सर, पहले और? मेरा जो मोस्टली काम था वो रीपर का था और अभी जो मतलब मैंने ऐड किया है वो पावर टिलर प्लस पावर वीडर और रीपर दोनों ही अवेलेबल है। आज कितने रुपए से पावर वीडर दिखाओगे? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतने सस्ते से सस्ता आपको पावर वीडर और पावर टिलर दोनों ही दिखाऊंगा जो आप सोचेंगे नहीं, इतनी उम्मीद नहीं करी होगी। कितने अच्छे से कर दोगे आज? सर आप बताइए कितने से स्टार्ट करना है? 19,000 से। सर मैं उससे भी कम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल पक्का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीजल मॉडल से। बिल्कुल, सबसे पहले जो हमारे किसान भाई डीजल मॉडल ये देख पा रहे हैं, कितने एचपी का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर? इसमें हम लोग जो इंजन देते हैं वो 7.5 HP का इंजन है और ये काफी हैवी क्वालिटी का है। इसका जो गियरबॉक्स है वो 1800 ml का है, 1 लीटर 800 ml इसमें गियरबॉक्स में, 90 नंबर अपने को ऑयल डालना रहेगा और गियर ऑयल और 20W40 इंजन ऑयल जो फिल करना है अपने को वो 700 ml करना है। अच्छा, जो इसमें टंकी लगा दी वो कितने लीटर की? सर ये जो टंकी है ये 3 लीटर का होता है और इसका फ्यूल कंजप्शन जो रहेगा ओनली 500 से 600 ml घंटे की रहेगा। 500 से 600 ml। और इसमें जो रोटर साइज होता है वो 32 ब्लेड का होता है जो कि आपका 4 फीट 4.5 फीट का होता है और जो एडजस्टेबल होता है। अच्छा, यही वाली रोटरी लगेगी? बिल्कुल, इसमें जो हम लोग जो रोटर देते हैं वो 2 टाइप के रोटर होते हैं, 3+1 होता है और 2+1+1 होता है। अच्छा, जैसे मेरा फार्मर भाई 1.5 इंच में वो भी इसमें कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बात करें इसके टायर की, टायर 4x8 के दिए गए हैं? बिल्कुल, इसमें 4x8 का टायर रहेगा और ये ट्यूब वाला टायर रहेगा। अगर मेरे फार्मर भाई को ट्यूबलेस टायर भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, ट्यूबलेस टायर अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे मैं बात करूं इसके हिच में हमारे किसान भाई क्या क्या लगा सकते हैं? सर देखिए, एक्चुअल में ये जो हिच होता है वो ट्रैक्टर के जैसा होता है, अपने को ये पिन की मदद से ये निकालना है। इसमें ट्रॉली है, आपका कल्टीवेटर है, रिजर है, कोई भी आपका बेड बनाने का बेड मेकर है, कोई भी इक्विपमेंट है जो बड़े इम्प्लीमेंट में लगता है जैसे ट्रैक्टर है उसमें लगता है, वो सारे इक्विपमेंट इसमें लगा सकते हैं। क्या फ्यूल की खपत करता है ये? घंटे की फ्यूल की खपत जो रहेगी ओनली 500 से 600 ml रहेगा। 500 से 600 ml ओनली 500 से 600 ml। और इसका डिप की बात करें रोटरी की, जो गहराई लेके चलता है वो 6 इंची लेके चलेगा। अच्छा, इसी के साथ एक अगला मॉडल हम देख पा रहे हैं जी। इसका क्या प्रोविजन दिया गया है, क्या है, कितने एचपी में है? सेम है ये भी आपका 7.5 HP का ही है। अच्छा, और सेम है दोनों? सेम, बस प्राइस की अपन बात करें तो मात्र क्या प्राइस आपके हिसाब से होना चाहिए? अगर हम प्राइस की हम इसकी बात कर लेते हैं तो भाई मार्केट में 7.5 HP जो आ रहा है लगभग 55,000, 56,000, 57,000 बहुत कम हो जाएगा तो 50,000, इससे नीचे नहीं आ रहा है। सर जो मैं प्राइस देने वाला हूँ वो आपको बिलीव नहीं होगा। क्या प्राइस दे देंगे? सर आप सोचेंगे ही नहीं, मैं इतना अच्छा प्राइस दूंगा आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने सस्ते में भी और इतनी अच्छी हैवी क्वालिटी का मैं पावर वीडर आपको इतने सस्ते प्राइस में दे सकता हूँ। मतलब मेरे किसान भाई को अभी रुकना पड़ेगा? बिल्कुल सर। चलो फिर पहले सबसे पहले इसका जान लेते हैं स्पेसिफिकेशन, फिर प्राइस जानेंगे। ओके, ठीक है हमारे किसान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेम है स्पेसिफिकेशन है, केवल टायर चेंज है? सेम है बिल्कुल। इसमें ये जो टायर है वो उसमें ट्यूब वाले टायर होते हैं, इसमें विदाउट ट्यूब वाले टायर होते हैं। अच्छा, इसी के साथ में अगर हम अगले मॉडल पे पढ़ते हैं, जैसे हमारे काफी किसान भाई जो होते हैं वो पेट्रोल इंजन की डिमांड करते हैं, तो जो पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपने रख रखा है, सबसे पहले बात करें कितने एचपी के अंदर में है? सर ये 7 HP का पेट्रोल इंजन आता है और हमारा जो पावर वीडर आता है वो स्वदेशी पावर वीडर के नाम से आता है ना। आप ये हमारे सारे मॉडल स्वदेशी पावर वीडर के नाम से आते हैं। ये 7 HP का रहेगा, इसका फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल की जो खपत रहेगी 700 ml इसका घंटे की खपत रहेगी और वही सेम प्रोविजन है। इसमें भी जो रोटर साइज होता है वो 32 ब्लेड का ही होता है, 4.5 फीट 4 फीट की अपने को जगह लेके चलेगा। एडजस्टेबल जो भी रोटरी मेरा फार्मर भाई लेना चाहता है ऑप्शनल रहेगा, 3+1+1 लेना चाहता है तो वो भी चलेगा और 2+1+1
तो वो भी चल जाएगा। अच्छा अगर ये बताएं फ्यूल की खपत ये मशीन कितनी करती है लगभग घंटे में? घंटे का वही 700 ml, 700 से 700 ml। अगर जैसे बहुत हार्ड सॉइल है तो 700 ml जाएगा, नहीं तो ये 600 ml, 600 ml बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल इंजन है इसलिए, और नहीं तो इसकी खपत जो रहेगी 500 से 600 ml। अच्छा रिकॉइल से स्टार्ट होगा? हाँ बिल्कुल, रिकॉइल स्टार्ट होता है, इजी स्टार्ट होता है, मेरा फार्मर भाई चौक लेता है और उसको इजी स्टार्ट होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन है। इतने सारे अटैचमेंट हैं, ये सारे इसी में चलेंगे? बिल्कुल, ये सारे अटैचमेंट इसी के लिए हैं, और मैं लास्ट में हर एक मॉडल के साथ में क्या फ्री में दूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्राइस के साथ प्लस अटैचमेंट में क्या मैं फ्री में मेरे फार्मर भाई को देना चाहता हूँ जी, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जैसे एक अगला मॉडल देख पा रहे हैं, कलर जी काफी खूबसूरत कर दिया है और फेंडर भी कलर काफी के साथ साथ उसमें और भी कुछ मैं एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ जो उसके फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप देखिए कि आगे आप ये देख रहे हैं ये बोनट है, जिससे क्या होता है कि अपना पावर वीडर गलती से चलते हुए आगे कोई मेड़ बनी या किसी चीज में लग जाता है तो मशीन डैमेज नहीं होगी, जैसे इसका ये रिकॉल लगी हुई ये डैमेज नहीं होगा, टंकी डैमेज नहीं होगा, आपका एयर क्लीनर वगैरह लगा ये डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल ये उसके सेफ्टी के लिए ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पेट्रोल इंजन है, हल्का सा वाइब्रेशन होता है ठीक है, उतना नहीं होता जितना कंपेयर करें डीजल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी मैंने क्या है कि इसमें आपको एक सॉकअप का हमने प्रोविजन दिया है। हाँ, कुछ किसान भाई सॉकअप की डिमांड कर रहे हैं आजकल, बहुत ऑप्शनल है, अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखते हैं। अच्छा, निकल भी जाएगा? बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे नट दिया हुआ है और इसकी जगह पे अपन दूसरा जो इसके लिए लगा सकते हैं, यहाँ पे एक रोड देते हैं, मतलब वो भी अपन लगा सकते हैं। मेरे फार्मर भाई को ऑप्शनल है, अगर वो लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई इशू नहीं। अच्छा, दोनों लेना चाहते हैं बिल्कुल, दोनों भी मिल जाएगा। कितने एचपी में ये इंजन है? ये आपका 7.5 HP का। फ्यूल की खपत क्या करेगा सर? घंटे की खपत इसकी 500 ml रहेगा, 500 ml, क्योंकि इसका टैंक बड़ा होता है, इसका 2.5 liter का टैंक होता है। अच्छा, इसकी खपत कम रहेगी। अच्छा, इसका जो है गियर वगैरह का क्या? सर नंबर ऑफ गियर सभी में सेम ही होते हैं, इसका 2 forward होता है, 1 reverse होता है। अच्छा जी। अच्छा सर एक चीज अगर बात करें इसके टायर की, टायर पंचर फ्री टायर इसके अंदर? बिल्कुल पंचर फ्री टायर रहेंगे, आप देख सकते हैं एकदम ट्रैक्टर जैसा ग्रुप होता है, ये स्लिपेज वगैरह भी नहीं होगा, ये आपका जैसे कोई भी आप ट्रॉली वगैरह में जैसे अनाज निकला उसके बाद आप लेके जाते हैं तो ये बहुत अच्छा टायर रहेगा क्योंकि ये स्लिप नहीं होगा। बिल्कुल, आपको खेतों में भी चलाने के लिए, आप सड़क पे भी चलाते हैं तो बहुत अच्छा ये चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और लॉन्ग लाइफ चलेगा। अच्छा, इसी के साथ एक अगला मॉडल हम आपका देख पा रहे हैं जो कि क्वालिटी भी काफी आपका पीछे भी आता था, इसका रिपर भी आप सेल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कितने एचपी का इंजन लगा हुआ है इसमें? सर इसमें हम लोग जो इस मॉडल की मैं बात करूं तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और ये 7.5 HP का हमारा पावर वीडर है और इसकी वजन की मैं बात करूं तो आपको विश्वास नहीं होगा, डीजल की अपेक्षा इसका वजन ज्यादा है। अच्छा, इसके वजन ज्यादा है? वो जो आप डीजल इंजन भी देख रहे हैं वो भी इसके वजन के मुकाबले नहीं है। ये टोटल हमारा 100 kg का होता है बॉक्स साइज, और इसका बॉक्स हटाने के बाद में जो वजन जाएगा 85 kg और 90 kg जाएगा, और सेम वो डीजल इंजन आप देख रहे हैं उसका भी आपका 100 kg का वजन जाता है। तो इसका जो गियर बॉक्स है काफी हैवी क्वालिटी का है और फुल 1 साल की गारंटी लिखित में देंगे इंजन की और गियर बॉक्स की। अच्छा, और इसकी जो फ्यूल खपत है मात्र 500 ml है। 500 ml जी। इसमें 360 रोटेट दूसरे बिल्कुल तरीके से कर दिया, 360 रहेगा। दूसरा कुछ पार्ट्स हम लोग इसमें साथ में भी देते हैं एक्स्ट्रा में। अच्छा जी, इसके साथ में बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर बात कर लेते हैं इसके हिच वगैरह में ट्रॉली वगैरह लग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रीपर भी चला सकते हैं। इसमें पीटीओ सिस्टम होता है, ये हैंडल आपका घूम के 90 degree पे उधर चला जाएगा और इसको अपन यहाँ पे पीटीओ को निकाल के यहाँ पे रीपर वगैरह या जो भी वाटर पंप वगैरह है या आपका स्प्रेयर है दवाई फेंकने का, वो सारा काम बिल्कुल, अपन बिल्कुल, 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 कर सकते अच्छा, हैं। एक मॉडल और हम देख पा रहे हैं काफी प्यारा, काफी खूबसूरत, काफी जबरदस्त तरीके का इसमें आपने यहाँ पे दे दिया है। जी जी जी। सबसे पहले बात करें कितने एचपी में, कितने सीसी में? सर ये 68 cc का है और ये 3.5 HP का है। अच्छा जी, 2 stroke के अंदर? 2 stroke है ये। अगर इसमें मेरा फार्मर 4 stroke भी चाहता है तो 4 stroke भी मिल जाएगा। कितनी ब्लेडें ऑपरेट होती है इसमें? सर 16 blade होती है। 16 blade? जी जी, 16 ब्लेड के अंदर ये ऑपरेट। अच्छा, बेसिकली इस पावर वीडर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? सर जैसे आपका छोटा कम एरिया है, जैसे मिर्ची लगाई है, टमाटर लगाया है, हाँ। तो मेरे फार्मर भाई बहुत छोटी खेती करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, जिसमें अपना ये पावर वीडर नहीं चल पाए क्योंकि इसकी 18 inch की एक फिक्स रोटरी होती है, इसमें अपन छोटा सा कर सकते हैं। दूसरा ये होता है पोर्टेबल होता है, दूसरी बात है उठा के कहीं भी आसानी से अपन इसको लेके जा सकते हैं। कितनी फ्यूल की खपत करता है ये? घंटे के फ्यूल की खपत 500 ml रहेगा, 400 से 500 ml। अच्छा, जितनी मशीनें हमारे किसान भाई जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें यहाँ पे दिख रही है हमारे किसान भाइयों को, क्या इसकी कुछ वारंटी गारंटी कंपनी देती है? सर बिल्कुल रहेगा, हमारे सारी मशीन पे आपको गारंटी कवर करके हम लोग देते हैं, इंजन का प्लस गियरबॉक्स का। अच्छा, दोनों का। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग रोटरी का भी हम लोग 6 महीने का वारंटी कवर करते हैं, टूटने का और मुड़ने का। 6 महीने के अंदर अगर वो ब्लेड तोड़ते हैं या मोड़ते हैं तो हम पीस टू पीस उसको ब्लेड पहुंचा के देंगे, पीस टू पीस। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं डीजल मॉडल की प्राइस की, सबसे पहले हम बात करेंगे डीजल मॉडल की प्राइस की, जो डीजल मॉडल का प्राइस दे रहे हैं, क्या प्राइस में मिलने वाला डीजल मॉडल?
सर आप पिछली बार भी आप मेरे को बोले थे हाँ। कि प्राइस का, तो मैं उस समय प्राइस आपको बताया नहीं बिल्कुल, लेकिन आप बताइए आपके हिसाब से अभी मेरे फार्मर राइस के लिए क्या ऑफर दे दूं और क्या प्राइस, आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, आप बोलिए। भैया कम से कम मैं जानते हो 4-5 हज़ार रुपए डिस्काउंट तो लूंगा ही लूंगा, लेता बिल्कुल ही लेता हूं। तो ऐसा बोल दो हमें बोलना ही ना पड़े। चलिए तो आपने ऐसा बोल दिया है हाँ। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, और इसके साथ में मेरे फार्मर भाई को जो भी इतने सारे अटैचमेंट रखे हुए हैं यहाँ से कोई भी एक अटैचमेंट उस प्राइस के साथ में फ्री में दूंगा, और फ्री होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी रहेगी। ये जो पावर वीडर है 7.5 HP का है, डीजल इंजन है, डीजल इंजन की खपत ओनली 500 से 600 ml, वो भी हार्ड जगह रहेगी तो 600 ml जाएगा, नहीं तो 500 ml। इसकी जो प्राइस मैं रखने वाला हूँ फ्री होम डिलीवरी और आपका एक अटैचमेंट के साथ में फ्री ओनली 42,000 रुपए, 42,000 में घर तक, 42,000 रुपए घर तक विद होम डिलीवरी, विद होम डिलीवरी। और बुकिंग अमाउंट में भी आप बिलीव नहीं करेंगे, बुकिंग अमाउंट के लिए मैं 10,000-20,000 उतना अमाउंट नहीं लेता मेरे फार्मर भाई से, फिर ओनली ऑन 3,500, 3,500 रुपए, ओनली 3,500 रुपए, मात्र 3,500 रुपए। कमाल कर रहे हो, मात्र 3,500 रुपए, 42,000, 5 लाइन का कल्टीवेटर या रिजर्व या 3 लाइन का कल्टीवेटर, 1 फार्मर या रिजर्व, कोई भी एक अटैचमेंट मेरा फार्मर भाई अगर आपका स्क्रीनशॉट देता है वीडियो का तो इनमें से एक अटैचमेंट फ्री बिल्कुल। अच्छा अगले मॉडल की बात करें, इसकी क्या प्राइस देंगे? सर सेम मॉडल है हाँ। सिर्फ कलर का फर्क है हाँ। और टायर का है हाँ। अगर मेरा फार्मर भाई ये चाहता है कि इसमें भी वो टायर लेना चाहते हैं तो ये कलर भी हम लोग दे सकते हैं, सेम प्राइस है इसका भी 42,000 रुपए बिल्कुल। अच्छा इसी के साथ अगर हम अगले मॉडल बने पेट्रोल, पेट्रोल की जो डिमांड होती है हमारे किसान भाइयों को, क्या प्राइस मिलेगा इसका? प्राइस की तो आप पूछिए नहीं, क्या प्राइस दे दूं बताइए भैया। देखो मार्केट में अगर इस वाले पावर वीडर की बात करूं तो अभी 36,000 में जा रहा है, जी जी 36-37 में जा रहा है, आप तो क्या दे रहे हो? आप बताइए क्या दे दूं, और फ्री तो डिलीवरी रहेगी रहेगी, हमारे हिसाब से 35,000 में दे दो, दे दोगे आप? सर मैं इसको, आपने 33 बोला हाँ। मैं आपकी बात को भी रखता हूँ हाँ। प्लस मैं मेरे फार्मर भाइयों का काफी प्यार रहा है एक साल के अंदर, तो मैं उनके लिए मात्र और मात्र 30,000 रुपए में डिलीवरी फ्री, एक अटैचमेंट फ्री, घर तक डिलीवरी कमाल कर रहे हो बिल्कुल। और बुकिंग अमाउंट ओनली पेट्रोल वाले पे 2,500 रुपए, 2,500 रुपए, डीजल वाले पे ओनली 3,500 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना है, और पेट्रोल वाले पे ओनली 2,500 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना है। गजब कमाल कर रहे हो एकदम भाई साहब। इसके बाद अगले मॉडल पे बढ़ते हैं, जो लोग सॉकर मांगते हैं और कलर जो कॉम्बिनेशन दिया काफी अच्छा, क्या प्राइस दे रहे हो आमतौर में ऐसे सॉकर वाले पावर वीडर मार्केट में? देखिए एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने 45,000 के आते हैं बिल्कुल, अलग एक फीचर ऐड किया है साकप का, ठीक है। अगर मेरा फार्मर भाई साकप प्लस राड जो आती है, साकप नहीं चलाना तो इसमें रॉड का भी हम लोग सिस्टम देंगे, इसका सा थोड़ा सा प्राइस में उसकी अपेक्षा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर भी क्या हो सकता है। इसका ओनली जो प्राइस है वो 35,000 रुपए है, मात्र 35,000 रुपए, सॉकर भी लगा रहेगा, सॉकर भी रहेगा, रॉड भी रहेगा, दोनों चीज प्लस एक अटैचमेंट फ्री, फ्री मजाक और होम डिलीवरी। अरे सर मजाक नहीं, और बुकिंग अमाउंट जो रहेगा ओनली ऑन 2,500 रुपए, 2,500 रुपए पेट्रोल वाले पे, 2,500 रुपए डीजल वाले पे, ओनली 3,500 रुपए। अच्छा बिल्कुल, मात्र 35,000 घर तक। चलो अगले की बात कर लेते हैं, और वो भी पूरे भारत में कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी होम डिलीवरी फ्री बिल्कुल। अच्छा अगर अगले की बात करूं, अगला जो मॉडल हमारा किसान भाई देख पा रहा है, इसकी क्या प्राइस रहने वाली सर? देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा और प्रीमियम क्वालिटी का मॉडल है, जैसे इसका रोटरी मैंने भी आपको, आप बिल्कुल हाँ मैंने आपको बताया कि इसकी अपेक्षा आप डीजल लेंगे और इसका वजन दोनों का सेम कर लीजिए, ये उससे कंपेयर वजन में ज्यादा ही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि इसका गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ बड़ा है और हैवी है बिल्कुल, ठीक है। इसका भी जो मैं प्राइस रखने वाला हूँ बहुत ही कम रखने वाला हूँ, क्योंकि ये तो ये समझ लीजिए मेरा फार्मर भाई लेने के बाद में दिमाग से निकाल देंगे कोई प्रॉब्लम आएगा ही इसमें, बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइम टू टाइम इंजन ऑयल और गियर ऑयल चेंज करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्राइस है इसकी? इसका प्राइस ओनली मैं 32,000 रुपए रखने वाला हूँ, 32,000 में घर तक और 2,500 रुपए में बुकिंग, बस वही 2,500 रुपए सेम पेट्रोल में 2,500 रुपए की बुकिंग और इसका 32,000 रुपए प्राइस है, घर तक डिलीवरी और एक अटैचमेंट कोई भी फ्री, चाहे तो वो ये ले लें हाँ। या 5 लाइन का कल्टीवेटर, उनको लगता है कि मुझे 5 लाइन का चाहिए तो 5 लाइन का ले सकते हैं, और 3 लाइन का चाहिए तो 3 लाइन का भी ले सकते हैं, वो भी आपका ये स्क्रीनशॉट देंगे तो अटैचमेंट फ्री
मैं दूंगा सर। अच्छा, एक अगला मॉडल हमारे किसान भाई देख पा रहे हैं जो येलो कलर का है, छोटा है, जिसे टू स्ट्रोक के अंदर में आता है। ये छोटा नहीं है, काम बहुत बड़े बड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या प्राइस इसकी रहने वाली है सर? इसका जो प्राइस हम मार्केट में आमतौर पे जो आपने देखे ही होंगे काफी जगह पे, जो मेरे कॉम्पिटिटर भाई जो है जो देते हैं 25,000, 28,000, 22,000, लास्ट टू लास्ट 20,000 रूपए। मैं मेरे फार्मर भाई को ओनली अगर आपका कोई स्क्रीन शॉट देता है तो 17,000 रूपए में दूंगा। 17,000 ओनली, 17,000 फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी क्या रहेगा इसका? बुकिंग इसका 1,500 रूपए। 1,500 रूपए? 1,500। 1,500 रूपए मात्र बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग। अच्छा, जैसे हमारा कोई किसान भी मंगवाना चाहता है तो किस नंबर पे कैसे कॉल सर? देखिए, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो मेरी सेल्स टीम के हैं। आप उनको कॉल करिए, पूरी जानकारी लीजिए और कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो मेरी सेल्स टीम की तरफ से मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। बात करने के बाद पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है, उनको बताना है कौन सा मॉडल चाहिए, है ना। इसके बाद वो मेरी टीम पूरी जानकारी देगी और जैसे ही आप टोकन अमाउंट जमा करते हैं, जैसे छोटा वाला चाहिए तो आपको 1,500 का ही करना है, 1,500 का, जिसमें पेट्रोल वाले में कोई भी 2,500 रूपए का और डीजल वाले में 3,500 रूपए का बुकिंग अमाउंट करेंगे और जो भी आप पिन कोड देंगे वहाँ पे हम लोग सर्विस कराएंगे। बिल्कुल, सर्विस का इजी तरीका है। जो भी मेरे फार्मर भाई हैं, लगभग तो फार्मर भाई जानते ही हैं। जैसे जो बड़े लॉजिस्टिक होते हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ, जैसे BRL है, सेव एक्सप्रेस है, बी एक्सप्रेस है, ये सारे लॉजिस्टिक हैं जो बड़े हैं। अधिकतर हम लोगों का उनके साथ में टाई अप होता है और वही उनके डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। बाकी जो लोकल रोडवेज लाइन होती है उनसे भी हम लोग डिलीवरी करवाते हैं। बिल्कुल सुनील भाई, जो आपने काफी जो जानकारी दी आपने काफी अच्छी और काफी बेहतरीन रही है। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो थी ये सुनील भाई हैं जो कि फार्मर भी हैं और खेती के साथ साथ ये हमारे किसान भाइयों के लिए नए नए बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे आप हमारे सामने तरह तरह की वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लेकिन रेट को लेकर बड़ी बातें होती हैं, तो आज हम बहुत सस्ता और अच्छा क्वालिटी का वीडर लेके आए हैं। आप 42,000 का भी ले सकते हैं, पीछे 30,000 में भी आपको देखने को मिलेगा, सॉकर वाला आपको 35 में देखने को मिलेगा, इधर आपको 32 में, उधर आपको 17,000 में मिल रहा है। तो किसान भाई, देरी किस बात की है? आप इन वीडर के माध्यम से दिन का 2,000 से 2,500 रुपए कमा सकते हैं। जैसे अगर गन्ना की गुड़ाई करना हो गया या फिर आप केला वगैरह की गुड़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, देरी किस बात की? जो नंबर चल रहा है डिस्प्ले पे, उस पर कॉल करके घर बैठे बुकिंग करके आसानी से इन मशीनों को मंगा सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।